सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और लास्ट लेक्चर में, मतलब कल तो संडे था, यूनिट टेस्ट दी थी, बहुत अच्छी थी। यूनिट टेस्ट है ना, पूरे वीक के सब क्वेश्चन मिक्स थे, इसलिए कुछ लोगों ने यूनिट टेस्ट को बहुत अच्छे से सॉल्व किया, कुछ लोगों को यूनिट टेस्ट में थोड़ा सा मतलब स्ट्रगल करना पड़ा था। ठीक है, तो देखो सैटरडे के लेक्चर में, मतलब लास्ट का जो पूरा वीक है, मंडे से लेके जो हमने डिस्कशन किया था, वो एक ही टॉपिक है ना। उस टॉपिक के कुछ दो चार कंसेप्ट को हम टच कर पाए हैं, और टॉपिक है हमारा मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। और मैंने पहले लेक्चर में जब इस टॉपिक के बारे में इंट्रोडक्शन दे रहा था, तब आपको क्लियरली बोल दिया था कि हमें इस टॉपिक में तीन ही कंसेप्ट को पढ़ना है। वो तीन कंसेप्ट कौन सी? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। कौन सी कौन सी? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, जिनको आप 7, 8, 9, 10, मतलब पिछले 4 सालों से पढ़ रहे हैं। मतलब कंसेप्ट नहीं बदली, कंसेप्ट वही है, लेकिन मंडे से, ट्यूजडे से, वेंसडे से हर रोज देख रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट तो डिस्प्लेसमेंट ही है, वेलोसिटी वेलोसिटी है, लेकिन उसको कैलकुलेट करने के लिए जो एप्लीकेशंस आते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने की जो प्रोसेस है, हर रोज कुछ ना कुछ नई मालूम होती है, मजेदार होती है। ठीक है, यस तेजस, आई नो आपने डिस्कस किया था, कोई इश्यू नहीं। ठीक है, तो आज हम क्या करने वाले हैं, सेम टॉपिक से, अभी टॉपिक की बहुत सारी कंसेप्ट हमें डिस्कस करनी है। ये टॉपिक एकदम इसेंशियल है, क्योंकि यहाँ पे जो कंसेप्ट मालूम होती है मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन में, वो हमें रिमेनिंग सिलेबस के लगभग 7 से लेके 8 टॉपिक में अप्लाई करनी है। इसलिए इसको इतना ज्यादा टाइम देंगे कि इसमें जो जो टाइप के क्वेश्चंस पॉसिबल है, प्रोबेबल है, उनकी अपन बहुत प्रैक्टिस करने वाले। वैसे तो देखा जाए तो नीट में भी इस टॉपिक से एक ही क्वेश्चन आता है, जेडब्ल्यू में भी इस टॉपिक से एक ही क्वेश्चन आता है। उसके कंपेरेटिवली हम इसको जितना टाइम देते हैं, वो बहुत ज्यादा होता है। और उसका रीजन ही यही है कि यहाँ पे एक बार कंसेप्ट क्लियर हो गई, तो रिमेनिंग 7 से 8 टॉपिक में हमें यही कंसेप्ट को पढ़ना पड़ता है, मतलब वहां पे आप प्रॉब्लम फेस नहीं करेंगे। ठीक है, तो ऐसे रोज रोज हर कुछ मतलब एवरीडे यू विल गेट समथिंग न्यू, उसी तरह से आज मैं यहाँ पे टॉपिक की सबसे एकदम क्या बोलेंगे हम उसको, हार्ट ऑफ द टॉपिक, जो कंसेप्ट है, जो भी आप पहले पढ़ चुके हैं, उसको इंट्रोड्यूस करने वाला हूं। दैट इज काइनेमेटिकल इक्वेशंस। काइनेमेटिकल इक्वेशंस, तो आज से हमारा डिस्कशन शुरू होने वाला है अबाउट इक्वेशंस, इक्वेशंस, इक्वेशंस। लेकिन कौन से इक्वेशंस? ना लीनियर साइमल्टेनियस है, ना अनलीनियर साइमल्टेनियस है। कौन से इक्वेशन है? काइनेमेटिकल इक्वेशंस। अभी मुझे मालूम है जितने भी लोग यहाँ पे लेक्चर कर रहे हैं, सबको मालूम है कि काइनेमेटिकल इक्वेशंस मतलब कितने हैं, कौन से हैं। लेकिन कोई बोल सकता है क्या, इन इक्वेशन को हमने काइनेमेटिकल इक्वेशन क्यों बोला होगा? कम ऑन फास्ट, अगर पीछे के 3-4 लेक्चर को अच्छे से अगर मेमोराइज कर रहे हैं, तो यू कैन आंसर। कम ऑन फास्ट, राइट। ऐसे क्यों बोला हमने इसको काइनेमेटिकल इक्वेशन ही क्यों, दूसरा इक्वेशन क्यों नहीं, लीनियर इक्वेशन क्यों नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों नहीं, काइनेमेटिकली क्यों? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? चलो कम ऑन फास्ट, देखते कौन कौन बोला बोल सकता है। शुभम, डायनेमिक्स, ओके। और चलो तेजस, कॉज ऑफ मोशन इज कंसिडर्ड। स्वप्निल, इट स्टडीड मोशन विदाउट स्टडिंग कोर्स ने कॉज ऑफ मोशन। एक्सलेंट, मतलब सब लोग एकदम ध्यान से, फुल्ली फोकस के, कॉन्सेंट्रेट होके लेक्चर को सुन रहे थे, इसलिए उनको समझ में आ गया। यहाँ पे हमने जो वर्ड यूज किया है काइनेमेटिकल, ये इक्वेशन है, यानी इस इक्वेशन को हम मोशन से रिलेटेड स्टडी करते हैं। एंड इस इक्वेशन में फोर्स का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं होता है। फोर्स को छोड़ के मोशन का जो कुछ भी है, उसको अपन इन काइनेमेटिकल इक्वेशन का यूज करके मतलब सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये काइनेमेटिकल इक्वेशंस तो सबको मालूम है, उसमें कोई बड़ी डील नहीं है। उसके क्वेश्चंस हमें पढ़ने हैं, लेकिन उसके लिए सबसे इसेंशियल कंडीशन आपको मालूम होनी चाहिए कि काइनेमेटिकल इक्वेशंस आर एप्लीकेबल व्हेन बॉडी इज मूविंग अंडर कांस्टेंट और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। कांस्टेंट और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म कांस्टेंट चाहिए, क्योंकि एक्सेलरेशन अगर वेरिएबल है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन, ऐसी कोई क्वांटिटी हमने फिजिक्स में अब तक डिराइव नहीं की है, तो उसको यहाँ पे कंसीडर करके हम ही इक्वेशन सॉल्व नहीं कर सकते। तो इन इक्वेशन को सॉल्व करने का पहला रूल बन गया कि जब तक ये इक्वेशन एप्लीकेबल है, तब तक आपको एक्सेलरेशन को यूनिफॉर्म रखना पड़ेगा, कॉन्स्टेंट रखना पड़ेगा। ठीक है, एंड अगर ये कॉन्स्टेंट यूनिफॉर्म रखेंगे, तो हमें ये बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे टू सॉल्व द क्वेश्चन। पहले बोलो काइनेमेटिकल इक्वेशंस होते कितने हैं? कमन फास्ट,
हाउ मेनी काइनेमेटिकल इक्वेशंस जो आपने पढ़े हैं आपको मालूम है, 3 है, वेरी गुड। अब कौन से वो भी आपको मालूम है, टाइप करने को डिफिकल्ट जाएगा मत बोलो, मैं यहाँ पे बोलता हूँ ठीक है। यस यहाँ पे तो बोल भी दिए, कौन है ये हुशार, तेजो सराफ, वेरी गुड। उसके बाद देव, एक्सलेंट, वेरी गुड। चलो तो बेसिकली देर आर 3 काइनेमेटिकल इक्वेशंस, कौन से, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3, 3 काइनेमेटिकल इक्वेशंस है ठीक है। कौन से, सबसे पहले इसेंशियल काइनेमेटिकल इक्वेशन आता है, दैट इज वी इज इक्वल्स टू यू प्लस एटी, वी इज इक्वल्स टू यू प्लस एटी। देन सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन आता है, दैट इज वी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू यू स्क्वेयर प्लस टू एस, एंड एट द एंड थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन इज देयर, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ एटी का स्क्वेयर, यू टी एटी का स्क्वायर, यूटी एटी का स्क्वायर, यूटी एटी का स्क्वायर ठीक है। तो ये है 3 काइनेमेटिकल इक्वेशंस जो आप पहले ही पढ़ चुके हैं। कितना सिंपल टॉपिक है देखो, मतलब कंसेप्ट वही है जो आप 8, 9, 10 दो चार साल पढ़ रहे थे, लेकिन उसी कंसेप्ट के ऊपर हर एक क्वेश्चन जो मैं यहाँ पे नया इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ वो आपको मतलब थिंक करने के लिए, मतलब मजबूरन आपको दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है, ब्लैंक हो जाते हैं यार ये कैसे करेंगे इसको, फिर उसको ब्रेन यूटिलाइज करके हमें सॉल्व करना पड़ता है, सिंप्लीफाई करना पड़ता है, एंड यही हमारे सब्जेक्ट का फिजिक्स का मजा है, जादू है, यही इंटरेस्टिंग पार्ट है बेटा। कोई भी कंसेप्ट है, मतलब आपको इस रिलेटेड में एक इंसिडेंट बोलता हूं, उसको ज्यादा मन पे नहीं लेना है, एंड सुनना है, छोड़ देना है। जो हमारे एनसीईआरटी का बुक है या फिर स्टेट बोर्ड का भी बुक है, वो जो बुक्स है ना, जैसे एनसीईआरटी में पहला टॉपिक है फिजिकल वर्ल्ड, मैं वो पढ़ाता नहीं हूँ क्योंकि उससे रिलेटेड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में कोई क्वेश्चन आते नहीं है, वो बस फिजिक्स में क्या क्या रहेगा, कैसे रहेगा, वो इंट्रोडक्शन दिया जाता है, तो आपको एक मतलब जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स के लिए वो पढ़ना पड़ता है। मैं पहले 2-3 लेक्चर में इंट्रोडक्शन वैसे भी करा देता हूं, लेकिन ये टॉपिक है बोल के नहीं करता हूं, मैं फिजिक्स बोल के करता हूं। तो वहां पे एक इंटरेस्टिंग चीज बोली है, मैं पहले चीज क्या थी इसके लिए इसको एक्सप्लेन करने से पहले बोल रहा हूं, उसको मन पे नहीं लेना है, छोड़ना है, मतलब सुनना है और छोड़ना है, ये एनसीईआरटी ने बोला है, मेरे मन की नहीं है। और वहां पे एक स्टेटमेंट है कि देर इज नो फाइनल कंसेप्ट इन द फिजिक्स, क्या बोला है, देर इज नो फाइनल कंसेप्ट ऑफ द नो फाइनल कंसेप्ट इन द फिजिक्स। व्हाट इट मींस, इसका मतलब क्या होगा, फिजिक्स में कोई कंसेप्ट फाइनल नहीं है, इसका मतलब क्या है मालूम क्या, आपको एक मतलब 5-10 मिनट में मैं एक्सप्लेन करता हूं, सुन लो समझ लो, लेकिन उसके ऊपर ज्यादा सीरियस नहीं होना है बस ठीक है। होता क्या है देखो, जो स्टार्ट से लेक्चर कर रहे हैं, यस तेजस एक्सलेंट ठीक है, जो स्टार्ट से लेक्चर कर रहे हैं उनको मैंने बोला था कि फिजिक्स पढ़ते कैसे, उनको मैंने चेस का एग्जांपल दिया था कि जैसे दो प्लेयर चेस का गेम खेल रहे हैं और वो चेस का गेम हम पर देख रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वो गेम में क्या चल रहा है हम उनको पूछ नहीं सकते, हमारी लैंग्वेज मैच नहीं करती, हमें बस क्या करना है, देख देख के उसको सीखना है। तो ये तो कंफर्म है कि देख के अपन गेम सीख सकते हैं, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम होता है, इश्यू होता है कि कभी कभी हम उसको देख के जो कंक्लूजन बना रहे हैं वो गलत हो सकते हैं। वही बात फिजिक्स में है, फिजिक्स में हमें क्या करना है कि नेचर में होने वाले जो भी घटनाएं, जो भी प्रोसेसेस है, जैसे कॉमन एग्जांपल था कि मून अर्थ के सराउंडिंग में चक्कर मारता है, हमने सोचा कि हम भी हमारा मून हमारा सैटेलाइट भेज सकते हैं, हमने ट्राई किया फॉर लॉन्ग इयर्स, पहले अटेम्प्ट फेल हो गए, बहुत सारे अटेम्प्ट फेल हो गए, लेकिन हम सक्सेस हो गए बाद में। उसी तरह की कंडीशन आती कि कोई भी कंसेप्ट जब हम बनते मतलब पढ़ते हैं, जब भी बनती है तो उसको बनाते टाइम जो ऑब्जर्वेशन थे वो बाद में चेंज हो सकते हैं, ये फिजिक्स का बेसिक स्कोप है और इसीलिए फिजिक्स इंटरेस्टिंग है इतना ठीक है। हाँ एंड भी नहीं है, और जो आज अपन पढ़ रहे हैं ना, मतलब जैसे कि आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ये सबको मालूम है, वो एग्जांपल देता हूँ मैं ठीक है, सबको मालूम है। केमिस्ट्री में भी आप पढ़ रहे हो, इतने हुशार लोग है, 8, 9, 10 में भी पढ़ी आपने, अभी भी केमिस्ट्री पढ़ रहे हो कि मैटर में एटम होता है, और ये एटम के बारे में आपको, ये 9th में था शायद केमिस्ट्री में, अभी पहला ही टॉपिक है केमिस्ट्री में, वहां पे आपको मालूम होगा कि सबसे पहले एटम मतलब होता है, क्या होता है, कैसे होता है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी थी जॉन डाल्टन ने, कब, 1808 में। वैसे तो महर्षि कनात थे, एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ मेड फ्रॉम अनु, अनु इज एग्जिस्ट विथ रेणु इन साइड परमाणु, अनु रेणु परमाणु, ऐसी कुछ तो थी उनकी थियरी थी जो हम पढ़ते नहीं, हम यूरोपियन साइंस पढ़ते। तो सबसे पहले जो है ना, ये डाल्टन ने 1808 में बोला था, एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल अनकटेबल पार्टिकल, यानी डाल्टन ने क्या बोला था कि मैटर को बनाने वाला एक पार्टिकल है जिसको एटम है, जिसको अपन फर्दर डिवाइड ही नहीं कर सकते, वो लास्ट है,
सोचो अगर हम वही मतलब चीज को एक्सेप्ट कर लेते कि नहीं हाँ बोल रहा एकदम शेवटले वारी खरो बोल रहा, उसके बाद क्या होता? उसके बाद तो हमें प्रोटॉन भी मालूम नहीं होता, इलेक्ट्रॉन भी मालूम नहीं होता, मतलब कितनी प्रोग्रेस, मोबाइल कंप्यूटर जूम है ना, सारी जो बातें हमें मिलती ही नहीं, समझ रहे हो आप। तब डाल्टन ने बोला था कि एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल, और जिसको बोला जाता है, जिसको बोला जाता है क्या बोला जाता है, एटम। और उस एटम के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी किसने, डाल्टन ने। और इंफॉर्मेशन देते टाइम डाल्टन ने एक्सप्लेन किया था कि बेसिकली हम एटम को फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, वो लास्ट पार्टिकल है। उसके बाद में आपको मालूम है कि 1897 में जे जे थॉम्सन आता है और वो क्या करता है, सीआरटी कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट में ऑब्जर्व करता है कि ये एटम इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर रहा है। इलेक्ट्रॉन को अगर एटम इजेक्ट कर रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर था, फिर वो अपना एटॉमिक मॉडल लेता है, लेके आता है टर्बूज वाला, एटम इज अ टर्बूज, इलेक्ट्रॉन मतलब सीड्स है ना, वाटरमेलन मॉडल। मतलब देखो डाल्टन ने जो बोला वो अगर हम बोलते कि फाइनल है बस विषय संपला, कहीं बोलायचं नहीं, तो हम वही पे अटक जाते। लेकिन हम क्या बोलते हैं, देयर इज नो फाइनल कंसेप्ट इन द फिजिक्स, ये सारा इमेजिनेशन है, लेकिन अब तक एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन के साथ मैच कर रहा है इसलिए ये ट्रू है। इन फ्यूचर इट कैन चेंज, इट हैव टू चेंज, इट विल डेफिनेटली चेंज। जैसे कि आगे जाएंगे 1909 आते आते अर्न्स ब्रदर फोड़ आता है, एटम को फोड़ देता है। कैसे फोड़ा था, बम्बार्डमेंट ऑफ अल्फा पार्टिकल ऑन गोल्ड फॉइल। और वो एटम को फोड़ने के बाद उसको समझ में आता है कि अरे ये पागल लोग कुछ भी बोलते थे, एटम तो कुछ है ही नहीं, एटम मतलब होलोस्फीयर है ना, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, एटम इज ए होलोस्फीयर व्हिच कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज हीवी कोर इनसाइड द और एट द सेंटर ऑफ द एटम, जिसको बोला था न्यूक्लियस, मतलब पूरा मास, पूरा पॉजिटिव चार्ज एंड एटम का जो कुछ भी है बस सेंटर में है, एंड बाकी पूरा पोर्शन मतलब 99.99% पोर्शन हॉलो ही है, 0.01% में इलेक्ट्रॉन सॉरी न्यूक्लियस प्रेजेंट है। यानी ये जो वॉल हमें लगती है, ये जो बोर्ड हमें दिखता है, ऐसे है ही नहीं है, ये 99% हॉलो ही है, समझ में आ रहा ना, 1% में है, लेकिन हमारे आईज इसको सेपरेट नहीं कर पाते इसलिए हमें ये पूरा दिखता है। ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव हुआ था मॉडल, ऐसे नहीं कि उसने नींद में से उठ के बोल दिया बात और मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये एक्सपेरिमेंटल करेक्शंस थे और ये सही है। उसके बाद में क्या हुआ कि उसने बोल दिया कि न्यूक्लियस है, उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होते हैं। अगर हम खुश हो जाते यार इतना भारी मॉडल मालूम हुआ, अब एटम के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई, और हम रुक जाते तो क्या होता, हम रुके नहीं, हम आगे गए। और फिर आगे आपको मालूम है जेम्स चैडविक आता है, न्यूट्रॉन को डिस्कवर करता है, गोल्डस्टीन आता है, प्रोटॉन को डिस्कवर करता है। एंड आज की डेट में हम जो सिलेबस पढ़ते हैं, सिलेबस में हम कंसीडर करते हैं कि देयर आर थ्री पार्टिकल्स विच आर प्रेजेंट इनसाइड द एटम, दैट इज प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन, बस खत्म, यही बात हम पढ़ते हैं। लेकिन मजेदार इशू क्या है मालूम, आज की डेट में एटम कंसिस्ट ऑफ 17 पार्टिकल, तेजस करेक्ट है, 17 पार्टिकल से, देयर आर कितने, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन जैसे 17 पार्टिकल से एटम बना है, लियो प्रूव हो चुका है। लेकिन अभी हम पढ़ नहीं रहे, सिलेबस में आने के लिए उसको टाइम है, इसलिए याद रखना है कि ये फिजिक्स से बेटा कितना भी करो है ना, उसमें मतलब रुक नहीं सकते। एक इंसिडेंट बोलता हूं, आइंस्टाइन था रिटायरमेंट के बाद में, मरने से कुछ 5-7 साल पहले ऑक्सफर्ड में गया था, ऑक्सफर्ड मालूम होगा आपको, भोली मोटी यूनिवर्सिटी है, फेमस, वर्ल्ड फेमस। और उसमें वो घूम गया, मतलब घूमने के लिए चला गया गेट में, एकदम नॉर्मल बस से आया, उतरा और गया, फिजिक्स लैब देखी, और वहां पे उसने देखा कि कोई तो एक्सपेरिमेंट कर रहा था, और वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था, उसके बाजू में जाके ऐसे हाथ को घड़ी बांध के खड़ा हो गया और यहाँ पे लाइट चली गई है ना। तो उसको जो है आइंस्टाइन देख रहा था और वो बोला क्या है रे, क्या सुनना है, क्या नहीं करना है। और आइंस्टाइन बोलता कि नहीं, आप जो कर रहे हो ना वो एक्सपेरिमेंट मुझे देखना है, मुझे समझना है, लाइट विल कम बेटा, एक 2-5 मिनट वेट करते, लाइट विल कम। आवाज तो आ रही है, आर यू गेटिंग माई वॉइस प्रॉपरली, आवाज आ रही है, हाँ ठीक है। तो क्या हुआ, आवाज इमेजिन करो आप, आइंस्टाइन गया, एक्सपेरिमेंट चल रहा है, और एक्सपेरिमेंट जो कर रहा था उसके बाजू में जाके आइंस्टाइन खड़ा हो गया और उसको देखने लगा एक्सपेरिमेंट करते करते, अरे कितना बारी एक्सपेरिमेंट कर रहा होगा, क्या कर रहा होगा। और वो देखते देखते वो बाजू में जो मतलब पीएचडी करने वाला जो स्टूडेंट था, पीएचडी करने वाला जो स्टूडेंट था वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था, वो आइंस्टाइन को समझाता है कि यार बेटा ऐसे समझ में नहीं आएगा, क्या देख रहा है, ये फिजिक्स है, मैंने पीएचडी की है, मैं ऐसा ऐसा एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। और आइंस्टाइन एकदम ऐसे